हाउ टू फाइंड आधार कार्ड हेड ऑफिस एड्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो आधार कार्ड को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड के हेड ऑफिस को किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने जाते हैं, लेकिन जब वो आधार कार्ड के अपडेट सेंटर पे जाते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आधार कार्ड खो गया है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना तो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, ना उनको अपना आधार नंबर याद है, तो ऐसे में वो आधार कार्ड किस तरह निकलवाएं। तो इन सबका बस एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है आधार कार्ड का हेड ऑफिस। आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो कहीं ठीक नहीं हो रही हो, तो इसके लिए सीधा आप हेड ऑफिस आइए। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, उससे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपको आधार नंबर भी याद नहीं, तो आप सीधा हेड ऑफिस आके अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार नंबर का पता लगा सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ज्यादा ही अंतर हो गया है, 5-6 साल या 10 साल या 20 साल का अंतर हो गया है, तो इसके लिए भी आपको आधार कार्ड के हेड ऑफिस ही जाना पड़ेगा, वहीं पर जाकर आपकी समस्या का समाधान होगा। अब बात आती है कि हम हेड ऑफिस को किस तरह पता करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी स्टेट का हेड ऑफिस अलग अलग होता है। यूपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, हिमाचल का अलग है, गुजरात का अलग है, सभी जगह का जो हेड ऑफिस है वो अलग अलग होता है। तो आप किस तरह पता करें कि आपके स्टेट का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसके लिए आपको देखिए गूगल पे जाना होगा। यहाँ से मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, आप अपने मोबाइल से भी गूगल ओपन कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ आधार कार्ड लिखना है, आधार कार्ड लिखते ही एंटर कर लेना है, यानी कि सर्च कर लेना है। इसके बाद सबसे पहली वेबसाइट आ जाती है uidi.gov.in, तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है और देन होम पेज पे क्लिक कर देना है। होम पेज पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ आपको देखिए सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, UDEI हेड ऑफिस, और यहाँ देखिए न्यू दिल्ली का एड्रेस दे रखा है। तो इसी जगह पर आपको अपने स्टेट का एड्रेस फाइंड करना है। यहीं पर देखिए नीचे आपको दिल्ली लिखा दिखाई देगा, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए सारे के सारे स्टेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले वाले स्टेज पे क्लिक करता हूँ, पहले वाले स्टेज का देखिए यहाँ पूरा एड्रेस आ गया है, पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ से मैं आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ, आंध्र प्रदेश का भी इन्होंने यही रखा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसका देखिए यहाँ पूरा एड्रेस रखा है। अब सपोज करिए आप यूपी में रहते हो, तो यूपी में हम नीचे आ जाते हैं, वैसे सारे के सारे दे रखे हैं। यहाँ में उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूँ, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करके देखिए जो इनका मेन हेड ऑफिस है वो है लखनऊ। यानी अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो किसी भी सेंटर पे ठीक ना हो रही हो, तो आप सीधा इस वाले ऑफिस चलिए। यहाँ जाने के बाद आपकी आधार कार्ड से जुड़ी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप यहाँ उत्तराखंड को सिलेक्ट करें। उत्तराखंड को सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने न्यू दिल्ली का एड्रेस आ जाता है। यानी अगर उत्तराखंड में कोई बंदा है और उसके आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको न्यू दिल्ली यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसी अगर आप यहाँ गुजरात या बिहार में रहते हैं, पहले हम बिहार देख लेते हैं उसके बाद हम गुजरात देखते हैं। ये देखिए ये बिहार है, बिहार का एड्रेस आप देखिए ये दे रखा है। मैं आपको फिलहाल इस पूरे वीडियो को जूम करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अनुसार इस एड्रेस को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप चंडीगढ़ आ जाइए, चंडीगढ़ का देखिए ये चंडीगढ़ में दे रखा है। इसके बाद हम गुजरात में आते हैं, ये देखिए गुजरात का जो मेन है वो है मुंबई में इन्होंने दे रखा है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र दे रखा है, महाराष्ट्र का भी उन्होंने मुंबई का ही एड्रेस दे रखा है। तो आप इस वेबसाइट पे आके अपने स्टेट के अनुसार सभी तरह के हेड ऑफिस को देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां क्लिक करके भी इस वेबसाइट तक आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया हो कि आप आधार कार्ड के हेड ऑफिस का किस तरह पता लगा सकते हैं। आपको यहाँ सारे के सारे स्टेट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको हेड ऑफिस फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, तो आप स्क्रीन पे देख रहे नंबर मुझे फोन करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा।
आपके स्टेज के अनुसार आधार कार्ड के हेड ऑफिस का पता लगाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।